पहला शिकार इसहाक डार नाअहल करार दे दिए गए, कैप्टन रिटायर्ड सफदर नाअहल करार दे दिए गए। अहम तरीन मुकदमा और इस मुकदमे को हम आपको बता रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान नाअहल करार दे दिए गए हैं। 24 न्यूज ने की इस अहम इवेंट की भरपूर कवरेज। सुप्रीम कोर्ट में सियासी रहनुमाओं की आमद, फैसले से मुतालिक सियासी रहनुमाओं के तासुरात भी 24 न्यूज ने सबसे पहले अपने नाज़रीन को दिखाए और सुनाए। आप देख रहे हैं लोग विक्ट्री का निशान बनाए हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन फतह का जश्न मनाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये अदालत उज़्मा के बाहर के मनाजिर हैं। जजेस की अदालत में आमद से लेकर फैसला सुनाने तक हर खबर पर रही मुकम्मल नजर। नाअहल करार दे दिए गए हैं, ये 5-0 का फैसला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल करार दे दिए गए हैं। अदालती फैसले पर कमरे अदालत से रिपोर्टिंग भी 24 न्यूज का एजाज। अदालत के अंदर क्या हुआ, 24 न्यूज ने इन सब हालात से भी अपने नाज़रीन को बाखबर रखा। तर्जुमाने वजीर आजम हाउस ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए। अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत के बाहर नून लीग और पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी। जोशीले कारकुनों की एक दूसरे से तकरार भी सबसे पहले 24 न्यूज पर दिखाई गई। जजेस ने फैसले में क्या कहा, किस किस को नाअहल करार दिया, किसके खिलाफ रेफरेंस का हुक्म दिया। फैसले पर नून लीग और अपोजिशन जमातों के कारकुनों के रद्द अमल से भी आगाह किया। फैसला मंजर आम पर आने के बाद मुल्क में सियासी हलचल पर आवाम की दिलचस्पी के लिए तबसरे और तज्जिये भी सुनाए गए।